मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 9:30, तो काम मेरा सब हो गया, डस्टिंग वगैरह सब हो गया और अदिति आरुष भी उठ के चले गए हैं, तो वो लोग ने भी ब्रश किया और ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों अपना कर रहे हैं जो भी आया है स्कूल से होमवर्क कर रहे हैं अपना। तो मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा काम बचा है वो कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मॉर्निंग में जो ब्लॉग स्टार्ट करी थी उसके बाद डायरेक्ट मैं अभी आप लोगों को इवनिंग में मिल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता, आदि और आरुष को पास्ता खाना था तो वही बना रही हूँ। मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने पास्ते की रेसिपी शेयर करी है तो इसलिए नहीं कर रही हूँ रेसिपी शेयर। और ब्लॉग भी मतलब ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। अभी आदि और आरुष का क्लास भी स्टार्ट हो गया है तो उनको भी 2-3 घंटे देना ही पड़ता है, क्योंकि अभी सब कुछ खुद को ही करना है। टीचर लोग तो क्या दे देते हैं, तो अपने को ही देखना पड़ता है सारा कुछ, तो इसके लिए टाइम मैनेज हो नहीं रहा है। बट मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेली रूटीन में जो भी है दिन भर का काम वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए डिनर। तो डिनर में मैं बना रही हूँ टोमेटो सेव और रोटी। तो रेसिपी मैं शायद अभी तक शेयर नहीं करी हूँ टोमेटो सेव की, तो इसके लिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और तैयारी सब मैं कर ली हूँ। तो टोमेटो सेव में बहुत सारा ऑनियन और टोमेटो पड़ता है, तो मैं देखिए ऑनियन और टोमेटो कट करके रखी हूँ। नीचे टोमेटो है और हरी मिर्च भी साथ में चॉपर में मैं चॉप कर ली हूँ, देखिए। और ये है सेव, ये एकदम बारीक वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी वाली नहीं है, एकदम मीडियम साइज की सेव आती है ना, ये वाली है। इससे बनाते तो ही अच्छा बनता है। तो तैयारी सब हो गई है, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पैन में मैं ऑयल ऐड कर दी हूँ, ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ऐड करी हूँ जीरा, और जीरा चटकने लगा है तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी कटी हुई प्याज, टोमेटो और हरी मिर्च जो मैं साथ में ही चॉप करके रख ली हूँ। तो इसको ऐड कर दी हूँ मैं पैन में, और इसको अच्छे से भून लेना है, बहुत अच्छी तरह से इसको गला लेना है, एकदम सॉफ्ट कर लेना है। टोमेटो सेव बना रहे हैं तो टोमेटो और ओनियन को बहुत ज़्यादा बारीक करके कट करना रहता है, तो ये अच्छा लगता है। तो ये ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक कट करी हूँ मैं। फिर भी मैं इसमें नमक ऐड कर दी हूँ जिससे जल्दी से अच्छे से गल जाएगा। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखिए ये सॉफ्ट हो गया है, अभी थोड़ा बाकी है तो मैं इसको ढक के वापस 2-3 मिनट के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैं रखी हूँ दही जमा के, तो उसको मैं फ्रिज में डाल दे रही हूँ। तो देखिए प्याज और टोमेटो सॉफ्ट हो चुका है, तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो मैं उसको भी साइड में थोड़ा सा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऑयल में ऐड नहीं करती हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को, मसाले में ही ऐड करती हूँ, तो इसका थोड़ा सा जो भी कच्चापन रहता है निकल जाता है। वो मसाला ऐड करने के बाद और अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, उसके बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए वापस ढक के रख दी हूँ, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। तो
तो देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, प्याज और टोमेटो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी सेव, और सेव ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी इस तरह से। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर इसको मैं, पानी थोड़ा कम था तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी, और बीच बीच में चलाती रहूँगी, नहीं तो फिर ये सेव है ना नीचे से चिपकने लगता है। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहना है। तो देखिए टोमेटो सेव बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया, और इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है, और आटा भी मैं लगा ली हूँ, तो मैं साइड में बनाना स्टार्ट कर देती हूँ रोटी। और सारे काम भी फिनिश हो गए, और आयुष टी वी देख रहे हैं, मिक्की माउस, ऐसे कुछ हमारा छोटे। तो डिनर हो गया हमारा और काम सब फिनिश हो गया। तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।